नमस्कार, आप देख रहे हैं छत न्यूज लाइव टीवी। सारे गामा पाकी मिनर्वा इंडिया गोट टैलेंट की फर्स्ट रनर अप इश्तेताब विश्वकर्मा का जबलपुर में भव्य स्वागत। पूरे देश में दुनिया में अपनी आवाज का जादू बिखराने वाली जबलपुर संस्कार वाणी की बेटी इश्तेताब विश्वकर्मा ने सोनी टीवी में प्रसारित होने वाला इंडिया गोट टैलेंट शो में अपनी गायिका का लोहा उनवाया। सुनो सजना, सुनो सजना कहा सबसे पुकार के संभल फर्स्ट रनर अप का खिताब जीतने के बाद वे अपने गृह निवास जबलपुर पहुंची। गायिका इश्तेताब विश्वकर्मा का यहां पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं जबलपुर पहुंचने के बाद भाजपा नेता कमलेश अग्रवाल ने भी इश्तेताब विश्वकर्मा का स्वागत किया, जहां इश्तेताब विश्वकर्मा ने कहा कि मां नर्मदा के आंचल में बसे जबलपुर का प्यार उन्हें मिला है, इसी कारण वे इस मुकाम पर पहुंची हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि जिस प्रकार से पहले हमारे आदेश श्रीवास्तव जी ने जबलपुर का नाम रोशन किया था, उसी प्रकार से आज हमारी इशिता विश्वकर्मा जी ने नाम रोशन किया। निश्चित रूप से जब वो सुबह जबलपुर आई, स्टेशन में हम लोग गए उनको लेने, तो हम लोग को ऐसा लगा कि हम कोई बहुत बड़ी महान हस्ती को लेने आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपना चैलेंज स्वीकार किया था और वहाँ पर जाके आज वो विनर होके आई हैं। आने वाले समय में हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम रोशन हो, क्योंकि हर जगह ये कहा जाता है कि वो छोटी लता है, और निश्चित रूप से लता जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, मगर वो जिस प्रकार से अभी गा रही हैं, आने वाले समय में लता के बाद यदि किसी को याद किया जाएगा तो इशिता विश्वकर्मा जी को याद किया जाएगा। भाजपा नेता कमलेश अग्रवाल ने उनको अपनी शुभकामनाएं दी और गर्व महसूस किया। जबलपुर से मनीष तिवारी की रिपोर्ट।